हेमंत दादा पूरे झारखंड के दादा है, बेटा है। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ न्यायपालिका का, उच्च न्यायपालिका का, कि उन्होंने देखा और सही तथ्यों पर जो उन्होंने अपनी बातें रख करके आज हेमंत जी सबके साथ में बाहर में हैं, वो कहीं ना कहीं हम लोगों के अंदर में भी जहन में था कि वक्त कब आएगा कि सही फैसला होगा। और कल देखिए वो बड़ा दिन आ गया, सब लोगों से मिलने के लिए, अपने झारखंड भाई बहनों, माताओं, बुजुर्गों से मिलने के लिए, उनके दुख तकलीफों को जानने के लिए ये अब कदम बढ़ाने वाले हैं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम लोग इसमें सफल भी होंगे और आने वाले चुनाव की रणनीति भी हम लोग बनाएंगे। गांडे विधायक कल्पना सोरेन हमारे साथ है। मैडम, एक आप ही एक सिंगल ऐसे थे जिन्होंने हर मंच से ये कहा कि जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा, ये नारा भी आपका दिया हुआ है। 5 सीटें निकल चुकी है, इस नारे से विधानसभा चुनाव में क्या प्रभाव लेके आएंगी? हेमंत दा, आप बाहर है। देखिए, नारा जो दिल से निकलता है उस समय दर्द था, तकलीफ था। और खास करके मैं ये कहना चाहूँगी कि हेमंत दादा पूरे झारखंड के दादा है, बेटा है। और आज हम लोग जिस संघर्ष के साथ में आए हैं, आप सिर्फ इसको चुनाव का संघर्ष नहीं कह सकते, आप इसको ये कह सकते हैं कि किस तरीके से हेमंत जी को षड्यंत्र के तहत जेल के अंदर डाला गया है और न्यायपालिका का जो आदेश आया है उसका पालन करते हुए हेमंत जी आज हम सब लोग के साथ में हैं। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ न्यायपालिका का, उच्च न्यायपालिका का, कि उन्होंने देखा और सही तथ्यों पर जो उन्होंने अपनी बातें रख करके आज हेमंत जी सबके साथ में बाहर में हैं, वो कहीं ना कहीं हम लोगों के अंदर में भी जहन में था कि वक्त कब आएगा कि सही फैसला होगा। और कल देखिए वो बड़ा दिन आ गया, और इस बड़े दिन के बाद आज आप पीछे देख सकते हैं कि कितने उत्साहित हैं लोग। कम क्षण भर में भी बहुत दूर दूर से आए हैं, और लोग यही, जैसे आपने भी सवाल पूछा कि झारखंड के बाकी लोगों से आप कैसे मिलेंगे, तो अब हेमंत जी का जो अब यात्रा आगे आने वाली है या जो वो अब रणनीति बनाएंगे, मुझे लगता है कि इनके कदम सब लोगों से मिलने के लिए, अपने झारखंड भाई बहनों, माताओं, बुजुर्गों से मिलने के लिए, उनके दुख तकलीफों को जानने के लिए ये अब कदम बढ़ाने वाले हैं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम लोग इसमें सफल भी होंगे और आने वाले चुनाव की रणनीति भी हम लोग बनाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। बिल्कुल, कल्पना सोरेन हमारे साथ थी। कल्पना सोरेन कल होटवार जेल से बाहर जब हेमंत सोरेन आए, लगातार उनके साथ परछाई बनकर जा रही है, जहां हेमंत दा जा रहे वहां कल्पना सोरेन पहुंच रही है। फिलहाल कल्पना ने ये कहा है कि रांची के साथ साथ अन्य जिलों में भी, मैंने इससे पहले एक सवाल किया था कि क्या रांची के लोग तो बहुत आसानी से आपसे मिल पा रहे, बाकी जिलों के लोगों से आप कब मिल पाएंगे, उसी का जवाब दे रही थी कल्पना सोरेन। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द बाकी जिलों के जो जनता है उनसे भी खास मुलाकात हेमंत सोरेन करेंगे। फिलहाल उनके जेल से आने के बाद पूरी झारखंड की जनता, खासकर रांची की जनता काफ़ी उत्साहित है। ये जो प्रांगण है हेमंत सोरेन का, ये खाली ही नहीं हो रहा है। हर सेकेंड, हर मिनट, हर घंटे यहाँ कोई ना कोई टीम आ रही है, उन्हें बधाई दे रही है, नाचगान हो रहा है, ढोल मांदर बज रहे हैं। फिलहाल यह जश्न का जो माहौल है अभी लंबा चलने वाला है, लेकिन हाँ, आगामी दिसंबर तक विधानसभा चुनाव भी आने, उन पर भी रणनीतियाँ बन रही है, बैठकें हो रही हैं। देखना ये होगा कि जेल से बाहर आने के बाद इस झारखंड की राजनीति में क्या बदलाव दिखेंगे। फिलहाल अभी इस वक्त के लिए जो हार रहेगा।